सो हेलो एवरीवन, दिस इज राज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से आ चुका है आप लोग के डिमांड पर फिशिंग रेड का वीडियो, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है इसका। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ फैला हुआ है, तो आप लोग का जैसे डिमांड आता है वैसे मैं फॉलो करता हूँ आप लोग का। तो आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ फिशिंग रेड का वीडियो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है यहाँ पे। आज मैं आ चुका हूँ पंकज भंडार, देख सकते हैं ऊपर में बोर्ड इनका, यहाँ का बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से आ चुका हूँ और आप लोग को लेटेस्ट फिशिंग का सारा एक्सेसरीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो वीडियो पे जुड़े रहिए, वीडियो पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यही वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अपने अंदाज से। सो गाइस चलो अब हम लोग लोकेशन दिखाते हैं आप लोग को। लोकेशन है यहाँ का, देख सकते हैं निगार है, बहुत ही पुराना एक होटल है और उसके ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा कुर्ता महल, और कुर्ता महल से सामने जो गली जाता है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो आपको 1.5 किलोमीटर यहाँ पे पड़ेगा। अगर आप खादगढ़ा बस स्टैंड से आ रहे हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर, मतलब बीच बीच में आपको पड़ जाएगा, और कोई एयरपोर्ट से आ रहा है तो आपको 4-5 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। तो चलो हम लोग दिखाते हैं आप लोग को अंदर, और ये वाला जो रास्ता है आपको सीधा फॉलो करना है ये रास्ता को। देख सकते हैं यहाँ पे चाय भी बन रहा है, टी स्टॉल है। ये रास्ता है आपको सीधा लेके जाएगा, ये ब्रांड एक्सपेक्ट शोरूम आपको मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा राजस्थानी गेस्ट हाउस। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं मुड़ना, आपको एकदम सीधा आना है। और आप लोग को दिखाते हैं, बस आपको यहाँ पे एक चप्पल का ये मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगा, उसके जस्ट बगल में आपको पंकज भंडार देख लीजिए लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से दिखाए थे हम लोग, ये है इनका दुकान और यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से ओनर से आके मिलते हैं। हेलो भाई, कैसे? सब बढ़िया। बहुत ही अच्छा खासा डिमांड रहा है इसका। डिमांड तो अच्छा खासा रहा। हाँ। उसी के डिमांड पे आज लाए आपके लिए, समझे, बिगनर्स लोग के लिए भी और एंगलर्स लोग के लिए भी, मतलब सारा सामान मिलेगा। बाकी तो अपना जैसे कि सामान तो आपको ऑलरेडी सब अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन, या फिर आप कहीं से भी शॉप से ले सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सामान तो ले लिए, मछली आखिर किस तरह से मारे, तो आज उसके लिए हमने लाया ये आपका फिशिंग बेट। Okay. ग्राउंड बेड भी और टॉप बेड भी, मतलब यहाँ पे सारा चीज मिलने वाली है, मतलब बिगनर से लेके बड़ा तक। जी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और डिमांड कैसा था बताइए पहले? डिमांड तो काफी अच्छा रहा। हाँ, जो भी आपका वीडियो के हिसाब से रहा, वो समझे कि हर इंडिया का हर कोने से कस्टमर लोग का जिस तरह से एरिया रहा, मान लीजिए मेरा तो एक कस्टमर है अंडमान से भी आए हुए हैं, उनका भी समझे का बहुत अच्छा डिमांड रहा। क्या बात है, अंडमान निकोबार से भी प्यार मिल रहा है आप देख लो भाई। और बताएगा कि यहाँ पे जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं डिलीवरी का, तो वो कि आपका इसमें जैसे जो भी सिस्टम है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है मेरे यहाँ। आपको जो भी आपका सामान रहे, मान लीजिए इसका जो भी आपका कॉस्टिंग होगा और आपका वो जो कुरियर चार्ज होगा, वो दोनों इंक्लूड होकर के जो भी होगा आपको फुल पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सा कस्टमर बोलते हैं कि भैया ये मान लीजिए 1000 रुपये का है तो 500 रुपये अभी देते हैं, 500 बाद में सामान पहुंचने के बाद, वैसा कुछ नहीं है। आपको फुल पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से आपका सामान ये डिस्पैच होगा। ओके, और ऐसा बात नहीं है भाई कि सामान आपका डिस्पैच नहीं होगा। जी बहुत सारा कस्टमर यहाँ से लेकर गए, बहुत सारा, बहुत अच्छा खासा कमेंट है, आप नीचे कमेंट भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मतलब रेट के साथ आपको दिया जाएगा। तो और बताइएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, बताइएगा भैया। एग्जैक्ट लोकेशन आपका हो गया है जैसे कि आपका ये मेन रोड रांची में हुआ, रांची झारखंड। आपको जो जैसे बहुत सा पूछता है कि झारखंड कहाँ पे है, ये भी नहीं पता बहुत सबको कि झारखंड कहाँ पे है, तो मैं बताना चाहूँगा बिहार और झारखंड जो है आपका अगल बगल हुआ स्टेट हुआ, ये झारखंड स्टेट हुआ, और झारखंड का आपका कैपिटल हुआ रांची। रांची में आपका मेन रोड पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के पीछे पंकज भंडार के नाम से मेरा शॉप हुआ, देख सकते हैं पंकज भंडार। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार। जिस तरह से आप लोग कहना चाहते हैं कि रांची में कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, तो आप अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ पर आने में कम से कम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा, और भाई अगर बस से आते हैं खागड़ा बस स्टैंड से, तो आपको यहाँ पर आने में कम से कम वो भी 2 किलोमीटर लगभग लगेगा, मतलब बीच में हो जाएगा ना एकदम। बाकी अगर किसी को लोकेशन नहीं मिल पाता है तो नीचे इनका नंबर दिया हुआ है, नंबर में भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कीजिए, सबसे अच्छा। और दूसरी बात है कि गूगल में सर्च कीजिए पंकज भंडार रांची, आपको डिटेल में मिल जाएगा आपको लोकेशन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग दिखाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, जो कि ये सब क्या मतलब लाए हैं बताइए। ये आपका ये थर्माकोल का आपका फ्लोट आया है, इसमें आपको 2 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक आपको मिलेगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम,
फिर आपका जो भी आपका लास्ट 60 ग्राम तक है वो आपको जो भी आपको नीचे नंबर शो हो रहा है उसमें आपको कैटलॉग में हाई लिखकर भेजना है, बाकी डिटेल आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। इससे क्या होता है बताइए? ये आपका एक तरह का समझिए फ्लोट हुआ। अच्छा, फ्लोट में मतलब कि ये आपका इस तरह किसका गेम है, देख लो भाई ये वाला है, इसमें आपको ट्रेड डालना है इस तरह से, देखिए ये लाइन हुआ, ये जो धागा हम लोग बोलते हैं ये इस तरह से इसमें चला गया। अच्छा, ये निकल जाएगा जी, और जहाँ आपको सेट करना है इसको वहाँ ले आकर सेट करके इसको केवल पुश कर देना है, वो लग गया, ये आपका ये लग जाएगा। ओके, और कोई भी ताने का मछली तो वो कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं होगा ना, नहीं निकलेगा नहीं, वो क्या बात है, फिक्स हो गया आपका, जब आप चाहिए तो ही निकल पाएगा ये। तो इसका बताइएगा रेट क्या है? इसका आपको 10 रुपए से स्टार्टिंग आ जाएगा। 10 रुपए से? जी, 10 रुपए से स्टार्टिंग जैसा हो साइज होगा वैसा आपको प्राइस मिलेगा, साइज के हिसाब से आपको मिल जाएगा प्राइसिंग, उसी तरह का मिलेगा आपको। ओके, ये बताइएगा ये सब क्या है? नेक्स्ट में आते हैं अपना, ये फीडर बोलते हैं इसको। अच्छा, ये फीडर अपना, ये आपको इसमें चारा, जैसे कि फीडर का ये टॉप हुआ इसके बारे में बताऊंगा अभी, ये फीडर हुआ, ये सब कॉस्टिंग आएगा 20 रुपया। 20 रुपया जी, क्या बात है, 20 रुपया में मतलब सिंगल पीस मिलेगा? सिंगल पीस। ओके, 20 रुपया में मिल सकता है, देख लो भाई ये फीडर। और बताएगा, अब तो डिमांड जैसे कि आपका जैसे बढ़ रहा है कि हम लोग मछली का सामान तो ले लेते हैं, वे फिशिंग का रॉड मिल गया, रील मिल गया, हम लोग मछली मार नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग करना क्या होगा कि फिशिंग बेट का इस्तेमाल करना होगा। फिशिंग बेट का मतलब होगी आपको किस तरह से हम लोग मछली जुटाना अपने पास। मान लीजिए डैम हुआ या तालाब हुआ, तो मछली तो आपको देख के तो नहीं आएगा, उसमें कुछ खाने के लिए दीजिए तब तो आएगा। तो इसके लिए हम लोग निकाले हैं, ये आपका जैसे कि 1 kg मिट्टी ले लीजिए, 1 kg मिट्टी में इसको हम लोग बोलते हैं चटनी चारा। अच्छा, चटनी बोलते हैं इसको, और इसके बोलते हैं अपने हिसाब से यहाँ जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं भूरा मसाला। अच्छा, मसाला बोलते हैं, ग्राउंड बेट भी बहुत सा बोलते हैं कि ग्राउंड बेट है। तो 2 चम्मच ये चटनी को और 2 चम्मच ये पाउडर को मिट्टी में सान करके उसको अपना जैसे कि 15-20 लड्डू बना लिए उसी को पानी में ड्रॉप करना होगा आपको, मतलब उससे आ जाएगा ना, उससे आपको हाँ मछली का जो सुगंध होगा ये मसाला का, वो मछली अपना जुड़ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट में आते हैं कि ये आपका कि वो जो मछली तो आ गया, अब कांटे जो होता है हुक, हुक में क्या लगा है, तो इसमें करना क्या होगा हम लोग को क्या है कि ब्रेड ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, उसमें ये 4 से 5 बूंद, ये मैजिक कार्प है इसको देख सकते हो आप, ये मात्र आपको 100 रुपये मिलेगा ये वाला, इसको 4 से 5 बूंद उसमें टॉप में मिला करके उसको मिक्स करके और वो पतला पतला बना करके वो हुक में लगाना होगा, वो आपको मछली जब चारा में घुस गया तो वो इसको खाएगा, खा के अपना वो आपका मछली फंस गया। ठीक है, एक और ये है स्प्रे फॉर्म में है, ये आपका ये 50 रुपये में आएगा आपको। 50 रुपये जी, दोनों अलग अलग फ्लेवर है। और ये बताएगा कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर लोग आ रहे हैं जी, तो उसको क्या मतलब अलग से डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट ये रेट दे रहे हैं आपको, ये डिस्काउंटेबल ही रेट है। अच्छा, डिस्काउंटेबल ही रेट है। ओके, डिस्काउंटेबल रेट के साथ आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये अलग ये रेट मिलेगा, वो अलग रेट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो कैटलॉग में आपको दिया रहेगा मेंशन रहेगा उसमें, वो समझो होलसेल प्राइस के हिसाब से मैं डाला हुआ है उसमें। कैटलॉग कैसे मिल सकता है सबको? कैटलॉग आपको मिलेगा व्हाट्सएप मेरे नंबर जो नीचे आपको दिख रहा है 7739784049041 में, उसमें आपको केवल हाई लेके भेजना व्हाट्सएप में। ओके, वो उसमें देखिए कि मेरा यूट्यूब का भी आ जाएगा आपको और कैटलॉग भी आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, सारा चीज आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारा जैसे कि अपना मैं समझ लीजिए कि एक तरह का प्रॉब्लम रहता है कि भैया आपका सामान पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, फ्रॉड है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप अपना देख सकते हैं मेरे दुकान के बारे में क्या है नहीं है, पंकज भंडार के नाम से उसमें यूट्यूब चैनल है। और कितने ईयर्स से ये चल रहा है ये भी बताइएगा? ये बिजनेस हाँ? ये बिजनेस तो फादर टाइम से चल रहा है। फादर टाइम से मतलब कितना? समझे कि 60 साल हो गया। 60 साल हो गया जी, क्या बात है, 60 साल से चल रहा है भाई, बहुत ही बड़ी बात है कि ये तो फिशिंग का 60 साल हुआ, बाकी मेरा मेन काम है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का। अच्छा, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सब जड़ी बूटी हुआ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में गिनती आता है, तो ये भी एक तरह का चारा हुआ, इसी से आपका ये पाउडर फॉर्म में बनाया गया। मतलब आप लोग खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं ना? ये देखिए पंकज भंडार, ये अपना मैं खुद का आकर दुकान में मैन्युफैक्चरिंग, क्या बात है, मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग है पाउडर, ये भी अपना सारा चीज खुद का, ये भी अपना ही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा मेरा पीवी फिशिंग टैकल्स के नाम से, ये आप देख सकते हैं पीवी फिशिंग टैकल्स इंस्टाग्राम में आपको ये नाम से मिलेगा। फिर एक आपका है ये स्पेशल मछली मसाला, बहुत सा बोलते हैं कि हमको खुद से बनाना है भैया, तो इसमें आपको वैरायटी है, इसमें 20 तरह का आपको जड़ी बूटी मिक्स मिलेगा,
जो कि 20 तरह का जड़ी बूटी के बात है, इसमें आपको एकांगी, घोड़बाज, हॉबर, इस तरह का सारा चीज मिल जाएगा ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो जड़ी बूटी की दुकान हम लोग जो है कम से कम ये 100 साल से ऊपर चल रहा है, मतलब समझे कि रांची जब जंगल था तब का ये दुकान मेरा, मतलब कि 200 साल जी। क्या बात है, मतलब कि मेरा फिफ्थ जनरेशन में हम है। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन में दुकान चला हुआ, दुकान चला हुआ रनिंग, सेम प्रोसेस में सेम आइटम का फिफ्थ जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन चल रहा है। देख लो भाई, फिशिंग का जो है वो सेकंड जनरेशन हुआ, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हुआ वो फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, तो इसमें फ्रॉड का जहाँ तक बात है, तो फ्रॉड का जहाँ तक जिसको शक होता है कि भैया अभी फ्रॉड होगा, तो लोकेशन दिया हुआ, दुकान से आकर आप परचेस कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100-200 के लिए फ्रॉड करके दुकान का नाम खराब नहीं करना है, जो गुडविल मेरा बना हुआ दुकान का नाम से वो कभी खराब होने भी नहीं देंगे मैं, जब तक मैं हूँ। बाकी आगे के जनरेशन को वो मैं सिखा के ही जाऊँगा। एकदम एकदम। अब नेक्स्ट बताइएगा, ये अपना चलते हैं ये पॉल रोड की तरफ। ये जो पॉल रोड है अपना, ये आपका इसमें आपको मिलेगा 6 फीट से लेके कंप्लीट, मतलब कि 15 फीट, 18 फीट, 21 फीट तक मेरे पास अवेलेबल है, हर वैरायटी में अलग अलग साइज के हिसाब से। 21 फीट तक, 21 फीट। ओके ओके। तो ये आपका, ये देखिए एक पॉल रोड है। क्या बात है, ये 10 फीट का हुआ, 10 फीट का देख लो भाई। और ये टूटेगा नहीं ना, कितना तक का मछली इसमें पकड़ा जाएगा? वो तो एंगलर्स के ऊपर है, एंगलर्स के ऊपर है। कितना, फिर भी 4-5 किलो तो निकलता है, 4-5 किलो निकल जाएगा, निकलता है, लेकिन खेलने के ऊपर है, अगर कोई जानता है तब। हाँ, हाँ। एक ये है, ये भी काफी मजबूत माया है, ये देखिए। ये कितना फीट का? ये भी आपका, ये 12 फीट का है, 12 फीट का जी, 12 फीट का है। ये मात्र 300 रुपए मिलेगा, 300 रुपए 300 में कोई भी, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपना, एक ब्रांडेबल आया है मेरे पास पॉल रोड, जो कि सिमानो कंपनी का है। सिमानो कंपनी जी, ठीक है। इसमें आपका ये आपका 21 फीट का, 21 फीट का, 21 फीट का। ये घर बैठे आप पश्चिम मार सकते हैं, इतना लंबा ये। क्या बात है, बहुत ही बड़ा है। ये ज्यादातर आपका असम में चलता है, असम में चलता है ना ये, असम का कस्टमर की तरफ से डिमांड आया इसलिए मंगाया गया है। ओके, मतलब सब जगह से प्यार मिल रहा है गाइस, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द विजिट कीजिए यहाँ पे, या फिर आप कॉन्टेक्ट से व्हाट्सएप खत्म होने से पहले अपना ये जल्द लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद वीडियो देखिए भैया वही सामान चाहिए हमको, सेम सामान चाहिए, पॉसिबल नहीं मेरे लिए। एक ये भी है, कौन से होने वाली है? ये भी आपके 21 फीट में आएगा, इसमें आपको 2-3 साइज मिल जाएगा, 15 फीट, 18 फीट और 21 फीट। 21 फीट मतलब सारे में मिल जाएगी। Okay. इसका प्राइस कितना रेट पड़ जाएगा? ये 1500-1600 स्टार्टिंग आ जाएगा, 1000-1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। ओके, बाकी अपना जो भी रेट होगा वो कंपल उसमें अपना कैटलॉग आप देख सकते हैं उसमें। एक आया ये मेड इन जापान का, ये पॉल रोड, ये काफी शॉर्ट है, ये बैग में कैरी करने के लिए काफी आसान रहेगा आपको। और ये कितना फीट का हो जाएगा? ये आपका 6 फीट से लेके 15 फीट तक मेरे पास अवेलेबल है, 6 फीट से लेके 15 फीट तक मिल जाएगा। ओके, बाकी जो इसका रेट क्या, 320 से स्टार्टिंग हो जाएगा, 320 से जी। ओके, 320 से ये वाला है ना, स्टार्टिंग आ जाएगा जी, 320 का आपको मिल जाएगा। देख लो, अब नेक्स्ट हम लोग को दिखाइए। नेक्स्ट में आते हैं अपना ये इंडियन फाइबर हुआ, इंडियन फाइबर में आपको देख सकते हैं, ये जो देसी फाइबर इसको बोलते हैं, एक बहुत सारा डिमांड आता है भैया हमको देसी फाइबर चाहिए, ये काफी चीप एंड बेस्ट है, अच्छा टूटने नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये मात्र आपको 130 मिलने जा रहा है, 130 में जी, 130। क्या बात है, मतलब जो लोग बिगनर है इसको लेकर जाके, बिगनर एग्नेस कोई भी खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है, जरूरी नहीं है बिगनर्स के लिए। अच्छा, मतलब एग्नेस भी लेते हैं 130 रुपए में, 130 रुपए में। क्या बात है, 130 रुपए में लेकर जाओ, बड़ा से बड़ा मछली पकड़ सकते हैं, जो इसमें नहीं पकड़ पाइएगा इसमें पकड़ लीजिए। क्या बात है, इसमें पकड़ा जाएगा ना। ओके, और बताइएगा। आते हैं बस इसी का एक फोल्डेबल आया है, ये फोल्डेबल हो गया इसका। ओके, ये देखिए इसका फोल्डेबल है। अच्छा, ये फोल्डेबल है, कैरी करके अपना बैग में आप ले सकते हैं इसको। देखिए ये सेम साइज हो गया इसका, रिलायबल है पूरा एकदम, लगभग कैरी करने के लिए, कैरी करने के लिए अच्छा है, आपको मजबूती भी है। प्राइस कितना पड़ जाएगा? ये मात्र 200 रुपए का आएगा, 200 रुपए, मात्र 200 रुपए। डिटैचेबल वाला 200 में मिल जाएगा और नॉन डिटैचेबल वाला 130 में मिल जाएगा आपको। बाकी इसमें दो वैरायटी है, एक वैरायटी में आपका ये जो देख रहे हैं ये पुश वाला है। अच्छा, एक इसमें पुश हो गया ये, और एक आएगा इसमें एक थ्रेडिंग सिस्टम जिसको स्क्रू सिस्टम बहुत सा बोलते हैं, वो आ जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ये जाने के बाद जो है, इसको देखिए क्लियर एकदम, ये अपना लॉक हो गया। अच्छा, मतलब वो खुलेगा नहीं ना, खुलेगा नहीं, थ्रेडिंग सिस्टम है वो टाइट हो गया। ऐसे भी इसमें भी नहीं खुलेगा, लेकिन बहुत सारा डिमांड रहता है भैया ट्रेडिंग वाला चाहिए, उसके लिए मंगाया गया ये ट्रेडिंग है। ओके, ये सर 250 रुपए का आएगा, 250 रुपया। क्या बात है, थ्रेडिंग का 250 का आएगा जी। अब नेक्स्ट हम लोग को बताएगा, आते हैं अपना ये अपना ट्रैप नेट बोलते हैं इसको, जिसमें कि बहुत सा बोलते हैं कि मछली मारे और साइड से कुछ छोटा मछली बड़ा मछली, तो उसके लिए देखिए ये काफी खूबसूरत ये फूल कैसे बनेगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, देख लो। और इसमें देखिए एक चैन है, वो चैन को लगा सकते हैं, चैन को जब लगेगा तो ये कवर करेगा आपका।
फुल कवर कर देगा ना जी, ये पूरा लॉक हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, फुल लॉक के साथ आपको मिल जाएगा। जब तक ये लॉक नहीं होगा ये आपका काम करेगा नहीं। हाँ हाँ, देखिए, देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया। इसमें दो साइज मिलेगा आपको, ये जो हॉल देख रहे हैं ना, इसमें 6 हॉल का ये है, एक आएगा 8 हॉल का, 8 हॉल का भी आएगा, 8 हॉल का भी मिलेगा। ये प्राइसेस क्या पड़ जाएगा? इसमें आएगा आपका 350-450 इस टाइप का साइज आएगा, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बेनिफिट क्या है वो जान लीजिए, इसमें रस्सी आप लगा करके बांध लीजिए और उसको क्या कीजिए कि उसको पानी के बीचों बीच डाल दीजिए जाली को, और जाली को डालने से पहले क्या करना है आपको, इसमें चारा डाल देना है। चारा डाल देना जी, ओके। चारा मतलब हो गया ये, जैसे कि है ना आपका, ये एक हम लोग अपना दुकान का निकाले हैं, ये जादू फिशिंग बेट करके है, ये फीडर में भी खेल सकते हैं, ये फीडर जो है इसमें खेल सकते हैं, ये चूड़ा में छान करके मिक्स करके खेला जाता है इसको। ओके, ये अपना आता है, ये जैसे कि इसमें डालना है तो चूड़ा ले लीजिए और 2 चम्मच इसको मिला करके इसके अंदर में डाल दीजिए, बाकी अपना जैसे कि वो पानी में जैसे बीच में डाल दिए ना तो मछली आपका जाएगा, वो ट्रैप होते जाएगा, वो निकले वापस निकलेगा नहीं, तो ये काफी अच्छा है, बढ़िया चीज है जी। ओके, अब नेक्स्ट बताएगा। नेक्स्ट आता है अपना ये लाइन के बारे में, तो ये अभी मार्केट में बहुत सारा डिमांड है, मतलब हद से ज्यादा डिमांड है। क्या बात है, बहुत ये फॉक्स गोल्ड जो है आपका हद से ज्यादा डिमांड में है। ओके, काफी शिकारी, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है, बहुत सस्ता भी है। इसका अगर 12 पीस का बंडल लेते हैं तो इसमें आपको 90 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा, 70 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा, बाकी आपका लास्ट 300-400 जैसा साइज बढ़ेगा उस तरह से हिसाब में आपको प्राइसिंग देते आएगा जी। ओके, और इसका कितना रेट पड़ जाएगा? इसमें आपको देखिए, इसमें अगर 140 mm का लीजिएगा तो 160 रुपये का आएगा, 160 रुपये का आएगा, ओके, 160 रुपये का आएगा पूरा बंडल का। ओके, अगर आपको चाहिए कि जैसे कि 1-2 पीस चाहिए तो वो साइज के ऊपर है, 20 रुपये से स्टार्टिंग आ जाएगा, 20 रुपये से स्टार्टिंग, मात्र 20 रुपये से 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, साइज जिस तरह से बढ़ेगा, साइज किस तरह से बढ़ेगा वो इसमें लिखा रहता है, टेस्टिंग रहेगा, एमएम रहेगा, 40 mm इसमें अवेलेबल मेरे पास है, 20 mm से अवेलेबल है आपका 100 mm तक, 100 mm तक अवेलेबल, वो आपको हर साइज में मिल जाएगा। ओके, और भी बताइएगा। और नेक्स्ट अपना जो आता है कि जैसे कि चारा के बारे में, तो चारा जैसे कि इसमें आइए, ये फीडर के बारे में बताते हैं लास्ट में, कि इसमें खेलने का तरीका है कि आप इसमें चूड़ा ले लीजिए, चूड़ा 2 चम्मच ये, और आपके पास अगर घी होगा तो घी इसमें मिक्स कर दीजिए, सबको मिक्स करके जो भी आपका लड्डू बना उसके बाद इसमें पूरा इसको लड्डू बना करके इसको कर सकते हैं। इसके बारे में और बताइएगा डीपली। ये आपका डबल पावर, ये गोटा मसाला हुआ, ये मतलब कि जड़ी बूटी का गोटा मसाला, इसको बनाने का जो प्रोसेस है, इसका आपको जो एक कढ़ाई ले लीजिए जिसको आपको हल्का मतलब कि गर्म करना है और इसको फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद इसको कूट करके पाउडर बनाना है, जो जलाना नहीं है बस फ्राई करके इसको लालपन में लाना है, उसके बाद अपना ये फ्राई करके जो भी आपका बर्फ बना उसको पाउडर करके वो मिट्टी में, जैसे कि ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला बनेगा आपका, ये भी डबल पावर है, ये भी डबल पावर है। अच्छा, मतलब यही फॉर्म में बन जाएगा, फॉर्म बनेगा। तो बहुत सारे बोलते हैं कि हम खुद से बनाएंगे तो वो खुद से बनाएंगे तो बना सकते हैं। ओके, इसका 2 है मेरे पास, एक आएगा आपको 250 ग्राम का, एक आएगा आपका ये 100 ग्राम का, इसका प्राइसिंग जो है 250 रुपया और 100 रुपया का आएगा। अच्छा, मतलब इसका और इसका में मतलब डिफरेंस क्या है कि ये पेस्ट पहले से है? ये रेडीमेड है, रेडीमेड है ये, हाँ, आपको रॉ अपने खुद से बनाना होगा, खुद से बनाना पड़ेगा। देख लो जी, अगर कोई खुद से बनाना चाहता है इसको लेकर जा सकता है या फिर रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और एक है अपना, ये भी अपना ये ड्राई, ये भी आप बना सकते हैं इसको, ये भी बना सकते हैं ना, फ्राई करके अपना ये फ्राई भी करना है तो इसमें ना तो कोई ऑयल मिलेगा ना कुछ मिलाना है, कुछ नहीं मिक्स करना है, बस ड्राई रखना है, ड्राई फ्राई करना है। ओके, ड्राई फ्राई करके पाउडर करना है उसको। तो आज मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिर से न्यू कलेक्शन, देख लो भाई, ऐसा कलेक्शन आपको ऑल ओवर रांची में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मतलब फिर से न्यू कलेक्शन, जितना बार भी आना न्यू कलेक्शन में आना है ना, न्यू कलेक्शन भी और चीप एंड बेस्ट भी। क्या बात है, और ये भी जो दिख रहा है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये लुकाना का मिल जाएगा, ये लुकाना का है। ओके, ये लुकाना का फोल्डेबल चेयर हुआ, ये आपका कैरी करने के लिए काफी इजी भी होगा, बैग में डाल के लेकर आराम से। ओके, इसमें आपको 100 kg तक का पर्सन बैठ सकता है, 100 kg तक का बैठ सकता है, आप बैठ के बैठ के खड़ा होकर देख सकते हैं इसमें। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई आराम से बैठ सकता है इसमें 100 kg तक का, काफी इजी है भी है, अपना कैरी करने के लिए बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया। चलो, लाइट वेट है ये, मुश्किल से आप देख सकते हैं, ये आपका मतलब 1 kg लमसम होगा, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसको लेकर जाओ और आराम से आपको बैठने उठने का सिस्टम मिल गया, आपको बैठने का ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया। कहीं भी फिशिंग के लिए गए तो क्या सॉल्यूशन बैठने के लिए, बहुत सारे पत्थर में बैठते हैं अपना वो बिछा के बैठते हैं। अब नेक्स्ट में आता है, ये भी एक फोल्डेबल चेयर हुआ, ये काफी मजबूत में है,
150 kg खड़े खड़े बैठिए, आराम से बैठिए तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो खड़े खड़े बैठिए तो सुप्रीम का भी चेयर आपका टूट जाएगा एकदम। अब नेक्स्ट मूव इसका आपका प्राइस जाने वाला है 350 रुपया, 350 रुपए में लेकर जाइए। एक उससे एक साइज छोटा में आया है आपका, ये भी फोल्डेबल है, ये कितना झेल सकता है? ये 100 kg, ये तो लास्ट वीडियो में भी आपका था जो कि काफी डिमांडेबल था और उससे एक साइज छोटा था ये। अच्छा, जिसका आपका कॉस्टिंग था उसमें भी उस वीडियो में 100 रुपया, तो कस्टमर डिमांड था कि भैया उससे थोड़ा सा बड़ा साइज लेकर गया, तो ये उसी का है बड़ा, ये बड़ा। अच्छा, भाई उसका होगा ये 150 रुपया मात्र आएगा, 150 रुपए में। ओके, 150 रुपए में लेकर जाओ ये जी। अब ये सब क्या दिख रहा है? ये सब ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये हैंड कास्टर बोलते हैं इसको। ओके, ये आपका जैसे कि पहले हम लोग जो अपना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तग्गी, बंगाल में भी तग्गी बोलते हैं, इधर भी हम लोग अपना तग्गी बोलते हैं। तो इसको खेलने का तरीका क्या हुआ, इसमें हम लोग धागा लपेटते हैं, धागा आपका वही आपका 60 mm 70 mm इसमें आराम से आएगा, 100 मीटर 200 मीटर जितना आपको डालना है वो साइज के ऊपर। इसमें 3 साइज मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप 3 साइज में आपको जो भी आपको पसंद है वो ले करके, इसमें 4-5 कलर आपको मिलेगा, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, जो सामने अवेलेबल रहेगा वो मिल जाएगा। ओके, बाकी इसमें खेलने तरीके धागा लपेट करके इसमें जब इसको फेंकिएगा, इसमें गोला या भी अपना वेट रहेगा, जब फेंकिएगा वो धागा अपना यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इजी वे होगा मछली पकड़ने का। इसका प्राइस क्या शुरू होता है? इसमें प्राइस आपका स्टार्टिंग होगा, ये आपका हुआ 70 रुपए का, 70 का है। ओके, एक साइज बड़ा आएगा उससे, मीडियम साइज जिसको बोलते हैं अपना, ये अपना आएगा ये 80 रुपए का, 80 का उससे बड़ा अगर लीजिएगा ये आएगा 100 रुपीज का, 100 रुपीज का, ठीक है। फिर ये भी एक हैंड रक्स कास्टर है, ये कुछ अलग लग रहा है, ये कुछ अलग भी है, इसमें है कि अपना 200 मीटर तक धागा अपना भर लीजिए, 200 मीटर से वो जल्दी होगा, इजी होगा। इसका कितना रेट पड़ जाएगा? ये 300 रुपए का मात्र, 300 रुपए का। ओके, 300 रुपए में फ्लाई व्हील लेते हैं तो आपका 300-400-500 इससे जाता है, उससे बहुत सस्ता भी है और इजी भी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बताएगा, नेक्स्ट एक फ्लाई व्हील आया आपका, ये आपका आया है देखिए 809 करके, ये फुल मेटल है, ये जो आपका हैंडल है ये प्लास्टिक का है, बाकी अपना इसका सिस्टम जो है फ्लाई फिशिंग के लिए काम में आता है। ओके, इसका प्राइस होने वाला है आपका मात्र 220 रुपया, 220 रुपया जी। ओके, 220 रुपए में लेकर जाओ। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं अपना, ये अपना इंडियन हुक हुआ, इंडियन हुक का डिमांड हुआ कि भैया हम लोग तो कोरिया चाइना ये सब का हुक से खेल चुके हैं, लेकिन हमको कुछ इंडियन हुक चीज दीजिए जो जिसको हम लोग बंगला हुक बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बंगला हुक में, ये एंके का हुक हुआ, आप देख सकते हैं क्लियर। ओके, ऑफ करेगा वीडियो। तो ये जो हुक होगा एंके का, इसमें आपको साइज मिलेगा 16 नंबर से लेके 24 नंबर तक, 16 नंबर से लेके 24 नंबर तक। आपको साइज के हिसाब से कि छोटा कौन हुआ कौन सा बड़ा हुआ, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये जो आपका ये साइज हुआ ये आपका 22 नंबर हुआ, 22 नंबर मतलब सबसे बड़ा है ना? नहीं, ये छोटा हुआ, छोटा सबसे बड़ा हुआ 16 नंबर, उससे बड़ा होता है 14। अच्छा, मतलब जितना कम होगा उतना बड़ा होगा, उतना बड़ा होता जाएगा इंडियन हुक में केवल। और अपना जैसे कि एक होता है मेड इन कोरिया आता है, तो उसमें अपना करना पड़ता है कि जैसे 10 नंबर हुआ तो वो बड़ा हो गया, इसमें जैसे कि आपका उल्टा चलता है, रिवर्स, उसी का रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें आपको मेरे पास साइज मिल जाएगा आपको। इसका क्या रेट पड़ जाएगा? इसका मात्र जैसे कि ये फुल पैकेट अगर लीजिएगा, इसमें से फुल पैकेट अगर 100 पीस का ये पैकेट आता है तो ये मात्र 120 रुपए का आएगा आपको, 120 रुपए का जी, एंके का हुक। ओके, बाकी अपना ये साइज जो भी आप बोलिएगा वो मिल जाएगा, वो अपना कैटलॉग में अपना देख लीजिएगा, वो स्केल में रख करके वो मेंशन किया हुआ है कि क्या साइज का कितना बड़ा है वो। ओके, बाकी अपना नेक्स्ट में आते हैं ये बिग गेम, ये लास्ट ईयर भी बहुत सारा डिमांड था, इस साल भी बहुत डिमांड आ रहा है कि बिग गेम में आपको 30 mm से लेकर 60 mm तक धागा मिल जाएगा, 30 mm से लेकर 60 mm तक मिल जाएगा। इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये में लेकर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला क्या दिख रहा है? ये आपका स्पिनिंग रील है, स्पिनिंग रील है, बहुत सब डिमांड में है, चीप एंड बेस्ट में, सस्ते में मुझे मेटल में चाहिए, तो ये आपका आ गया मेटल, ये आप मेटल सुन सकते हैं, मेटल पूरा। ओके, तो ये मेटल है आपका 2000 सीरीज का है, सिग्मा। तो इसका कॉस्टिंग जाने वाला आपका 650 रुपये मात्र, 650 रुपये लास्ट ईयर, ये 700-700 में ऐसा बिका है, इस साल थोड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है जी। ओके, तो आप ले सकते हैं। इतना कितना ये का धागा डाल सकते हैं? धागा आप इसमें 30 mm से 40 mm तक का, 30 mm से 40 mm तक आराम से, इसमें 100 मीटर तक आराम से आएगा, बाकी अपना आपका जो डिमांड रहेगा उस हिसाब से धागा इसमें एडजस्ट होगा। ओके,
और बताएगा वो जो नेट दिख रहा है ये सब क्या है? कीपिंग नेट, ये भी काफी डिमांडेबल है। इसमें आप मेरे पास दो साइज है और एक साइज और आता है उससे बड़ा। ये देखिए एक साइज है, ये काफी मजबूत है, काफी मजबूत भी है ना, बहुत मजबूत है। इसको आप चेक कर सकते टर्न करके, बहुत मजबूत है गाइस, बहुत ज्यादा मजबूत है। देख लो ये हुआ छोटा साइज, इसमें कम से कम आप 15 से 20 केजी मछली रख सकते हैं। ओके, इसका प्राइस क्या हिसाब से रहेगा? ये 40 रुपए का मात्र आएगा, 40 रुपए का मात्र, 40 रुपए इसमें लेकर जा सकते हैं। और ये वाला उससे बड़ा वाला, इससे एक साइज बड़ा हुआ है। इसका कितना रेट पड़ जाएगा? इसका आएगा 60 रुपए, 60 रुपए मतलब 20 रुपए ज्यादा में उससे बड़ा लेकर जा सकते हैं। और एक साइज बड़ा है जो कैटलॉग में डाला हुआ 65 रुपए का, एक साइज थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, मतलब वो 65 का मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के मारिए। और अगर आपको और एक्स्ट्रा अगर जानकारी लेना है इसके बारे में तो आप इनका चैनल भी एक है, तो वो चैनल का नेम बताएगा? पंकज भंडार के नाम से है, यूट्यूब में चैनल है, और एक चैनल मेरा जो है अपना अकाउंट है ये इंस्टाग्राम में, पीबी फिशिंग टैकल्स के नाम से। ओके, तो उसमें भी आप डिटेल दे सकते हैं। ओके, उसमें भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा वीडियो मैं बना सकूं और आप उसमें देख सके। Okay. और इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हैं उसमें, पीवी फिशिंग टैकल्स के नाम से। ओके, बाकी राज भाई को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये भी मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं भी इसकी सपोर्ट करूंगा। एकदम एकदम, चलिए। तो ऐसे तरह का मतलब वीडियो हमेशा आते रहेगी। अगर आप लोगों को कोई भी डिमांड होता है, कोई भी ऐसा रॉड का डिमांड होता है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जरूर अवेलेबल कर दिया जाएगा। और आपको कैटलॉग प्रोवाइड किया जाएगा कि कितना प्राइजेस है, क्या है, वो सारा कैटलॉग प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के नंबर से, और नीचे इनका ब्लिंक हो रहा है। अगर लोकेशन समझ में नहीं आता है तो गूगल मैप का मैं सपोर्ट दे दूंगा, या फिर आप लिख सकते हैं पंकज भंडार कहीं पर भी आकर रांची में, तो आपको पूरा अच्छे से सपोर्ट दे देगा यहाँ तक आने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा ना लॉन्ग करते हुए, सब चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है जो आप डिमांड कीजिएगा, फिशिंग से रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। वीडियो को बिना लॉन्ग किए अब हम लोग यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब दबा के मारिए। चलिए आप वीडियो को यहीं पर खत्म करें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।